कटनी में महिला कांग्रेस की जिला प्रभारी संगीता सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, देश प्रदेश में परिवर्तन की लहर है। महिला कांग्रेस की जिला प्रभारी संगीता सिंह ने जिला महिला कांग्रेस एवं ग्रामीण महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आगामी विधानसभा चुनावों में एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, वर्तमान सरकार में बढ़ती महंगाई ने सबसे ज्यादा घरेलू महिलाओं के सामने आर्थिक संकट पैदा किया है, जिसका बदला देश प्रदेश की महिलाएं भाजपा को सत्ता से मुक्त कर लेंगी। देश प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है। भाजपा की दोहरी नीति से परेशान होकर जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। इससे साफ हो गया है कि प्रदेश में कांग्रेस अधिक सीटें जीतकर परचम विजयी लहराएगी। इसके लिए मातृशक्ति को जागरूक व संगठित होने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी चुनाव में महिलाओं की अहम भूमिका है आज हमारी महिला कांग्रेस की कटनी प्रभारी संगीता दीदी यहाँ आई हुई है, जो निश्चित रूप से बहुत अनुभवी है, जिन्हें राजनीति का बहुत पुराना अनुभव है, और आज इनके सानिध्य में हम सब यहाँ पे कलेक्ट हुए हैं और इनके जो भी मार्गदर्शन होगा उस पर हमें काम करना है। और महिलाएं निश्चित रूप से जो आप देख रहे हैं, जिनको अभी आपने बोला, ये महिलाएं हमारी नई महिलाएं हैं जो जुड़ती जा रही हैं। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विभा पटेल जी, उन्होंने मुझे आपके कटनी के जिला प्रभारी बनाया हुआ है महिला कांग्रेस का। तो निश्चित तौर पर मेरा सिर्फ उद्देश्य यह है कि कांग्रेस की जो महिला कांग्रेस है उसको मजबूत करना, उस संगठन का विस्तार करवाना, और जहाँ जहाँ तक हमारी जैसे ब्लॉक लेवल पे, वार्ड लेवल पे, बूथ लेवल तक मैं महिलाओं को लेके हमको जाना है, बढ़ाना है, संगठन को बड़ा करना है। और अग्नि 2023 में जो हमारी विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस को मजबूत करना, कांग्रेस को जिताना, ये हमारा लक्ष्य उद्देश्य है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।